तो मैं वरुण ग्रोवर, ये संजय रजोरा और राहुल राम, हम तीनों मिलके ऐसी तैसी डेमोक्रेसी। और एक सवाल जो हमसे बार बार पूछा जाता है आजकल, खास करके बहुत पूछा जाता है, व्हाई आर यू सो सिनिकल? तुम लोग ये मतलब इतना अच्छे मौसम में तुम ये रंग में भंग डालने क्यों आए हो, और क्या तुम्हारे क्या क्या उखाड़ दिया किसी ने, कुछ ऐसा ले लिया तुम्हारा? सो व्हाई आर यू सो सिनिकल? दिस क्वेश्चन आई हैव अ वेरी सिंपल आंसर। आई कम फ्रॉम यूपी। ओके, सेम फॉर संजय। हम लोग उत्तर प्रदेश से हैं, ठीक है। और यूपी से मुझे एक और चीज याद आती है, यूपी में खास करके रोडवेज की बसेज में हम जाते थे इधर उधर, तो वो रोडवेज की बस बीच में कोई छोटे स्टॉप पे रुकती थी, तो एक वो बस में एक जूसर बेचने वाला आदमी आता है, वो आपने देखा होगा शायद, वो छोटा सा एक जो बहुत ही हैंडी सा जूसर है, एक वो संतरे का जूस निकालने उसमें ऐसे निकालता था, और बहुत ही अच्छा वो एक संतरे से वो 5 कप जूस निकाल के देता था। हम लोग सुपर इम्प्रेस हो जाते, 10 रुपए का जूसर होता था, हम घर लाते थे उसको, उसमें घर लाओ तो साला आधा कप जूस निकले, हमको समझ नहीं आता था वो 5 कप निकाल रहा है, हम आधा कप निकाल रहे हैं। फिर बाद में अभी मुझे अभी ये ख्याल आया कि पिछले साल पूरे हिंदुस्तान ने वो जूसर खरीद लिया है मोदी जी से, और दिल्ली वालों ने तो दो दो खरीद लिए। टाइम्स आर सीरियसली बिजार। आई मीन अनदर बिजार थिंग विच हैपेंड रिसेंटली, यू नो, यू रिमेंबर दिस, अभी अमेरिका में दिस दे लीगलाइज गे मैरिज एंड ऑल, एंड आफ्टर दैट एवरीबडी ऑन फेसबुक स्टार्टेड पुटिंग रेनबोज ऑन देयर डिस्प्ले पिक्चर्स। यू नो, हर एक आदमी जिसको कुछ नहीं पता वो क्या है क्यों है, सब रेनबो 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 लगाया। मेरे ताऊ जी ने अपना फेसबुक पिक्चर रेनबो किया हुआ था, मैंने उनको पूछा आपको पता है क्यों है, बोले हाँ मानसून आ रहा ना तो रेनबो है मानसून की खुशी। मैंने कहा नहीं वो इसलिए नहीं है, ये सेम सेक्स मैरिज है। बोले अच्छा सेम सेक्स मैरिज कहीं अलाउड हो गई है? मैंने कहा हाँ। बोले अच्छा सेम कास्ट तो नहीं हुई ना अब इन्होंने एक नया नारा दिया है कि स्वच्छ भारत, भारत साफ। आप बताओ भारत स्वच्छ भारत ये एक साथ ठीक लगता है? एक आंख बंद करो भारत दिखाई देता है, दूसरी बंद करो स्वच्छ दिखाई देता है। स्वच्छ भारत देखो गंदगी फलाना हमारा ना, यार सेलिब्रिटी झाड़ू लगा रहा है यार सेल्फी लो सर, मगर दीज आर माई डॉटर्स दीज टू, सो सेल्फी विद डॉटर्स प्लीज, एंड इफ यू डोंट माइंड वी विल टर्न आवर बैक्स टू यू सो दैट यू कैन ऑल्सो कम टू द फोटो। आओ जी आओ। यार वो मैं बोलता हूं कि गंदगी फैलाना ना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। दिस इज द ओनली थिंग दैट यूनाइट्स दिस कंट्री, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब गंदगी फैलाते हैं, और अब जूसर इसको भी तोड़ना चाह रहा है। स्वच्छ भारत इज एन ऑक्सीमोरॉन, इट्स लाइक इंटेलिजेंट राहुल गांधी। इट इज लाइक हैप्पी मैरिज, इट इज लाइक प्रो रिजर्वेशन ब्राह्मण। तो ये नारा स्वच्छ भारत नारा सुनने के बाद गाजियाबाद के मोहल्ले में लोगों का दिमाग घूम गया, उन्होंने कहा चलो सफाई करते हैं। सफाई करी, अपना पूरा मोहल्ला साफ किया, जाके कूड़ा दूसरे मोहल्ले में फेंक किया। अच्छी अच्छी चीजें हो रही हैं, अच्छे दिन आ रहे हैं, अच्छे और आ रहे हैं सच में, खास करके बॉम्बे में तो आए हैं फाइनली। बॉम्बे में मेट्रो आई है, 11 किलोमीटर है भले ही, जिसको मैं 11 मिलियन मिलीमीटर बोलता हूं ताकि थोड़ी सी शर्म कम आए। खास करके दिल्ली में 300 किलोमीटर है आपकी लाइन, आपकी गाय ये जो भी नई बदरपुर वाली चली है ये पहले बोरीवली पहुंच जाएगी, जो पक्का भरोसा है मुझे। 8 साल लगा के इन्होंने 11 किलोमीटर बनाई है, 8 साल लगा के, मतलब उतने में तो यार 2 फिल्में तो वो भी आशुतोष गोवारिकर भी बना लेता है। इतनी इतनी धीरे धीरे, और ऐसी ऐसी जगह गलत गलत जगह पैसा खर्च किया है इन्होंने, एक तो उसमें गलत जगह, वो अनाउंसमेंट पे यार 3-3 भाषाओं में अनाउंसमेंट हो रहा है, इधर खुलेगा दरवाजा इधर खुलेगा, दिख रहा है मुझे यार शीशा लगा हुआ है, दिख रहा है मत करो यार, वो बचा लेते पैसे शायद आधा किलोमीटर और हो जाती लाइन। फिर दरवाजों पे हाथ रखना मना है, दरवाजों पे हाथ रखना मना है, पहली बार हमको ट्रेन में जिंदगी में दरवाजे मिले हैं मैं देखना चाहता हूं यार कैसे होते हैं दरवाजे,
देखने दो मुझे, हाथ लगाने दो उनको कम से कम. लेकिन एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो बड़े खुश हैं मेट्रो से, जो हमारी नई मेट्रो आई है उससे शिवसेना बहुत खुश है. जलाने के लिए कोई नई चीज मिली है. परेशान हो गए थे वो बसें जला जला के ना, त्रस्त हो गए थे, बोर हो गए थे एक्चुअली ना. बसें भी मतलब बाहर निकलते थे, जो सबसे बड़ी चीज दिखी बस वो जला दी. अब तो उनको देख के बसें सेल्फ कंबस्ट हो जाती हैं. कंटिन्यूइंग अच्छे दिन, अच्छी बातें, अच्छी चीजें जो जो हमारे यहाँ हो रही हैं. खास करके जैसे पिछले दिनों वन ऑफ द प्राउडेस्ट डे फॉर मी एज एन इंडियन वॉज रिसेंटली व्हेन आवर प्राइम मिनिस्टर वॉज वेयरिंग दैट सूट, यू नो, विद हिज नेम एंड ऑल, मिस्टर जूसर. तो वो उन्होंने वो जो बहुत ही बढ़िया था, मुझे सच में मतलब हम लोग नहीं 10 साल से रो रहे थे कि क्या आर्ट फिल्म, साइलेंट फिल्म चल रही है, अचानक से मतलब हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर आ गई एकदम. ऐसा मुंह से नहीं कपड़ों से भी बोलते हैं जो, वैसे वैसे मिले. मतलब सूट पे 1000 बार उनका नाम लिखा हुआ था, वो जो भी पूरा नाम है उनका, नाम नहीं बोलेंगे यहाँ, बट उनका नाम लिखा हुआ है सूट पे 1000 बार, विच मीन्स एटलीस्ट 1000 times somebody somewhere must have said while weaving it, क्या चूतिया पर. किसने ये आइडिया दिया? अरुण जेटली का आइडिया लगता है. सीरियसली आई मीन लेडी गागा भी ना पहने वैसा वो कपड़ा था, बट पहना. एंड दैट्स आई मीन प्रॉब्ली दैट्स व्हाई वी लव हिम, यू नो, ही इज सो आउट गोइंग, ही इज सो लाइक एक्सप्रेसिव, दैट्स व्हाट वी कॉल इट, यू नो. सिंपली कोई बोलने नहीं आया कि क्या सूट है या क्या नाम लिखा है या कुछ कुछ नहीं. मतलब इमेजिन अमिताभ बच्चन, वो जो अपना वो याराना में है ना, सारा जमाना हसीनों का दीवाना, वो बल्ब वाला सूट पहन के अमिताभ बच्चन जुहू सर्कल पे आके नाचे रात को, और 2 दिन बाद कोई आके बोले सर वो बल्ब थे क्या. तो कितना कितना बुरा लगेगा ना ये सोच सोच के वो मतलब. इसलिए और ओबामा वहां वापस पहुंच गया, उसके बाद उसने अखबार में देखा होगा कि अच्छा ये सब था, ये सब, तब उसको लगा होगा वो फक नाउ आई रियलाइज व्हाई ही वाज टॉकिंग टू मी लाइक दैट ऑल द टाइम. आइए इधर आइए, चाय पी के जाइए, चाय पी के जाइए ना. एक और शानदार स्टैचू बन रहा है अपना, सरदार पटेल का स्टैचू, वो अपना गुजरात में बन रहा है. हमारे जूसर साहब जब वहां के जूसर थे गुजरात के, तो वो उन्होंने तब प्रॉमिस किया था, उनका पेट प्रोजेक्ट था ये कि सरदार पटेल का स्टैचू बनाना है वहां पे. एंड अगेन ही वॉज कॉल्ड लौह पुरुष, तो वो लोहे का स्टैचू बनाना है. 1800 करोड़ का बन रहा है. थैंकफुली यूरेनियम पुरुष नहीं थे वो, बहुत महंगा हो जाता. लेकिन सरदार पटेल का स्टैचू, आई थिंक इट मेक सेंस, उनका स्टैचू बनना ही था, क्योंकि जब 47 में गांधी, पटेल, नेहरू बैठे हुए थे उस मीटिंग में, एंड पटेल वॉज अबाउट टू से कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूं, गांधी जी ने कहा स्टैचू. तब सेट हो गया, उनकी किस्मत में लिख दिया गया कि बेटा स्टैचू बनेगा एक दिन तुम्हारा. इंडियन फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसमें जिसके घर बच्चे हो जाते हैं ना, वो अपने आपको PhD समझने लगता है, वो सबको खाम का ज्ञान देने लगता है. और बच्चों के साथ लोग ऐसा बिहेव करते हैं जैसे उन्हीं के घर में कन्हैया पैदा हुआ है. अभी कुछ दिन पहले जन्माष्टमी थी, बद्दे बच्चों की फोटो फेसबुक पे लगा रखी है, माई कन्हैया. अगर ये कन्हैया है तो इसका मामा कंस है. पूरी इंफॉर्मेशन क्यों नहीं लिखते? वो बच्चा इतना भद्दा है कि अगर कोई दूसरा मासूम बच्चा उसको देख ले तो मर जाए. और उसके नीचे भी कोई कमबख्श लिख देता है क्यूट बेबी. और ऐसी पेरेंटिंग का, बच्चे भी रिवर्स गियर में करते हैं बड़ा होने के बाद. फादर्स डे पे लोग पागल हो जाते हैं यार, हैड द बेस्ट लंच विद द बेस्ट डैड इन द वर्ल्ड, ग्रेटेस्ट डिनर विद द ग्रेटेस्ट डैड इन द वर्ल्ड. अब ये ग्रेटेस्ट और बेस्ट सुपरलेटिव्स हैं, आपका सैंपल साइज क्या है? कितने बाप हैं आपके जिनको आप कंपेयर कर रहे हो? और अगर सबका ही डैड ग्रेटेस्ट है, सबका ही डैड बेस्ट है, तो ये इंडिया की धज्जियां किसका बाप उड़ा रहा है? मैं पूछता हूं क्यों बच्चा करना क्यों है, मतलब व्हाई डू यू वांट मी टू हैव किड्स? तो उनके अजीब अजीब से रीजन आते हैं. नहीं, क्यूट होते हैं बच्चे. मतलब क्यूट तो गधे के बच्चे भी होते हैं, गधों से भर दी जाए क्या दुनिया? देन दे कम अप विद दिस लॉजिक कि नहीं, वंश कैसे आगे बढ़ेगा, यू नो, वंश आगे नहीं बढ़ाना. मैं बोलता हूं मैं कोई साला चंद्रगुप्त मौर्य हूं.
मेरे वंश का अचार डालेगी क्या दुनिया? साला राजीव गांधी ने बढ़ाया, क्या मिला? देन सम साइंटिफिक माइंडेड फ्रेंड जो सोचते हैं साला साइंस वाला है, इंजीनियर है, इसको ना साइंस से समझाओ. देन दे कम अप विद दिस लॉजिक की प्रोक्रिएशन, यू नो, इफ यू आर हैविंग सेक्स ओनली फॉर प्लेजर देन यू आर अगेंस्ट नेचर, यू आर गोइंग अगेंस्ट नेचर. मैंने कहा साले तुम पकौड़े खाते हो कि नहीं? कोई जानवर को खाया देखा है तूने? आलू उबाल के उसको मैश करके उसको साला बेसन के साथ छान के खाता है? साला तेरा लॉजिक अगेंस्ट नेचर है. कोई जानवर दूसरे जानवर को बोलता है बच्चे कर? जब सब हार जाते हैं तो बोलते हैं अच्छा घर में ना सबसे बूढ़े को ले आओ, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं इसको. घर में दादी को बुला लाएंगे, दादी फोन पे आ जाएगी, दादी बोलेगी ओ मैनू एक खेडन वास्ते खिडौना दे दे यार, ओ पुत्रा खेडन वास्ते खिडौना दे दे, खिडौना चाहिए मैनू खिडौना. मैं कहता हूँ यार आपको पांच लोग तो पकड़ के बाथरूम ले जाते हैं, अंदर जाके आप भूल जाते हो बाथरूम है कि मंदिर है. फिर उनका आता नहीं मैं सोने का कड़ा बनवाया है, सोने का कड़ा मैं किन्नो दबांगी है सोने का कड़ा. कहता तो सोने के कड़े के लिए मैं बच्चा कर लूं? फिर मैं उसको जिंदगी भर बोलता फिरूं कि एक दिन इसके लालच में आ गया था इसलिए साला तू यहां खड़ा है. कुछ दिन रुक जाओ, पाकिस्तान जाने की किसी को जरूरत ही नहीं है, पाकिस्तान यही बन जाएगा. एक बार बताओ, दोनों जब बोलते हैं ना कि हम एक हैं तो मुझे बड़ी खुंदक आती है. किस चीज में एक है? मैं बताऊं, गंदगी में एक है, गंद मचाने में एक है. तो मैं अभी लाहौर गया, मुझे एक पासपोर्ट साइज फोटो खिंचाना था, 7 घंटे लग गए मेरे को फोटो खिंचाने में. जिधर जाओ गड्ढा खुदा हुआ है, इधर जाओ यहाँ पे वो कोई जुलूस निकल रहा है, ट्रैफिक पुलिस वाला सो रहा है चौराहे पे खड़ा होके, जिसका जहां मन कर रहा है वो वहां जा रहा है. फिर इधर जाओ तो वो चलता है इधर सुसाइडर घुसा था, उधर सुसाइडर घुसा था. सुसाइडर घुसा था? सर सुसाइड बॉम्बर को उन्होंने छोटा करते हैं, यूज बहुत ज्यादा करना पड़ता है ना. इधर घुसा, इधर घुसा, इधर घुसा, इधर घुसा. मैंने कहा यार कोई ऐसी पतली सी गली बता दे जहां पे मैं छोले कुलचे खा लूं चुपचाप, भूख लग रही है मेरे को. फिर रात को मैं अपने दोस्तों के साथ बैठ के दूध पी रहा था. तो सर आप जैन हो क्या? क्लोजेट जैन? नहीं कतई भी. अभी हम बाद में जब दूध पियेंगे साथ में तो आपको पता चल जाएगा मैं क्यों हूं. मैं बैठा हुआ उनके साथ तो मजाक चला था एक दूसरे से. मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार सुसाइड बॉम्बर कुछ ज्यादा नहीं हो गए? हाँ यार तुम्हारे सुसाइड फार्मर भी बहुत ज्यादा हो गए. मैंने कहा यार ये क्या बोल गया? मैंने एक बॉटम सब किया एक गिलास दूध. फिर मैंने कहा यार आजकल सीजन चल रहा है तो AK-47 डिस्काउंट पे दिला दे. कहता है यार तुम्हारे यहाँ घर वापसी हो रही है, हमें भी ले चलो साथ में. कुल मिला के सर कहने का मतलब ये है कि मुझे इस बात पे खुंदक आती है जब लोग कहते हैं ना अरे हम तो एक ही, हमें तो सियासतदानों ने बांट रखा है. सियासतदान का दहेज भी लेके आए हो कहीं से? तुम्हारे में सीधो निकले हुए. और जब तुम एक नहीं हो, मान लो इस बात को एक नहीं हो, पड़ोसी हो, तो इतनी तमीज से रह लो कि दुनिया हम पे हंसना छोड़ दे. हर छोटे शहर में जैसे मेट्रो भी अब 7-8 जगह आ रही है. दूसरी एक और अच्छी चीज है जो इसको मैं आइडिया ऑफ डेवलपमेंट बोलता हूँ, इस देश में मॉल आ रहे हैं यार. जहां भी मैं किसी भी छोटे शहर में जाता हूँ, मॉल में साला मक्खी नहीं आ रही, लेकिन खोल दिए इन्होंने. और खोल दिए हैं तो ठीक है, अच्छा है, शायद लोग आएंगे धीरे धीरे एज अ म्यूजियम पीस आएंगे या क्या करने आएंगे पता नहीं. लेकिन मॉल के अंदर एक चीज बहुत अच्छी है, बाकी मॉल तो मैं आई एम नॉट दैट इम्प्रेस्ड बाय द मॉल्स, बट स्टिल देर इज वन थिंग इन साइड द मॉल विच इज द मेन्स वॉशरूम विच इज लाइक वर्ल्ड क्लास, सीरियसली वर्ल्ड क्लास. मैं जाता हूँ ना उसके अंदर तो मुझे सच में लगता है कि मैं कहीं हूँ, मतलब किसी एक डेवलप्ड कंट्री में हूँ. नहीं वो एकदम मतलब आप जाओ उसमें सॉफ्ट वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक बज रहा है, हैं वो जैनिटर के कपड़े आपसे अच्छे हैं, आपको मतलब सोफिस्टिकेटेड होना पड़ता है आपको उसके अंदर जाके, आपको लगता है कि हाँ यार यहाँ तमीज से रहना चाहिए. मतलब वो धीरे धीरे वो जैनिटर वेस्टर्न क्लासिकल पे झाड़ू लगा रहा है, हैं वो उधर आपको मतलब पहली बार जो कहीं जिंदगी में जिसने लाइन नहीं लगाई वहां मूतने के लिए लोग लाइन लगाते हैं उसके अंदर. और फिर वो मोजार्ट में कभी नहीं सोचा होगा सिम्फनी नंबर 6 पे एक दिन हिंदुस्तानी मूतेंगे. एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का सबसे बड़ा सपना होता है कि उसे ऑन साइट जाना है. तो है बैठे हुए यहां पे इसका सपना लेके.
वो बेचारा सपना लेते लेते 30 साल का हो जाता है, वो ऑन साइड के ही सपने देखता रहता है। फिर एक दिन उसकी किस्मत खुल जाती है, उसका बॉस आगे कहता है यार तेरे को 3 महीने के लिए बिजनेस वीजा पे काम करने अमेरिका भेज रहे हैं। उसका दिल नौ नौ बल्लियां उछलने लगता है, उसके जहन में अजीब गरीब ख्याल आने लगते हैं जिसका रियलिटी से कोई लेना देना ही नहीं है। जैसे एट 30 फाइनली आई एम गोइंग टू गेट लेड। उसके दोस्त उसके कंधे पे हाथ रख के कहते हैं कि बेटा अमरीका जा रहा अब तो ऐश करेगा, तू गोरियों के साथ है, कल्लियों से बच के रही, वो धेड़ के रख देती हैं। यार एक रिक्वेस्ट है यार, मैंने फूफा जी को प्रॉमिस कर दिया है आईफोन लेता आइयो। दो इन बेवकूफों को ये लगता है कि अमरीका जाते ही हिंदुस्तानियों के हाथ में तो गोरी लड़कियां पकड़ा देते हैं, जाओ बेटे ऐश करो, और वापस आते समय लड़कियां ले लेते हैं आईफोन पकड़ा देते हैं, फूफा जी को दे देना। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का दिल जो है ना उछलता रहता है, धड़कता रहता है जब तक कि प्लेन अमेरिका में उतर नहीं जाता, क्योंकि उसको लगता है कि अमेरिका में ना एयरपोर्ट पे भगदड़ मची हुई है, पूरे एयरपोर्ट पे गोरी औरतें नंगी भाग रही हैं कि कहां से इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर आ रहा है इसे पकड़ लो। ये सपना लेके वो जाते हैं। फिर इनके इन्हीं लड्डू खिलाने वालों के ऑफिस में ना एक होता है एचआर डिपार्टमेंट, जिसमें वो लड़कियां होती हैं जो शादी का वेट कर रही होती हैं। अपने काम को अच्छे तरीके से, अपने वक्त को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करने के लिए वो एचआर ज्वाइन कर लेती हैं, और फिर जो है ना वो दे कम अप विद ब्रिलियंट आइडियाज दैट फ्राइडे शुड बी फन एट वर्क। हैं बैठे यहां पे कम वक्त। अब वो फन एट वर्क कैसे बनाए, तो फिर एक ईमेल जाती है पूरे ऑफिस को, वी आर रिक्रूटिंग फन कमांडोज, इफ यू हैव एनी ग्रेट आइडिया एनी ब्रिलियंट आइडिया प्लीज कम टू अस, यू विल बी आर फन कमांडो एंड योर आइडिया विल बी एग्जीक्यूटेड। 15-20 दिन के बाद फन कमांडोज रिक्रूट हुए, उन्होंने 10-15 दिन की ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद आइडिया निकाला कि फ्राइडे को फन एट वर्क होगा और उसमें ना रंगोली कंपटीशन करेंगे। पूरे का पूरा ऑफिस बैठ के ना रंगोलियां बना रहे हैं। मेरा मन करता है पीछे से एक लाभ देके मारो, साला मर जाए ही पे, रंगोली के साथ साथ इंस्टॉलेशन भी हो जाएगा। एंड देयर इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इन दीज मल्टीनेशनल्स कॉल्ड ऑफ साइट टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज, जिसमें 30-35 लोग जो एक ही छत के नीचे बैठ के काम करते हैं टीम बिल्डिंग के लिए ऑफिस से बाहर जाते हैं कहीं पे घूमने, और आई डोंट नो बाय व्हाट लॉजिक दे गो टू प्लेसेस लाइक जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व इन उत्तराखंड। और वो ट्रिप टिपिकली ना इस तरह से चलती है, फ्राइडे को अंग्रेजी गुलामी करने के बाद सब आके उस बस में बैठते हैं, 2-3 कैटेगरी के लोग होते हैं। कुछ तो फ्रेशर्स होते हैं जिनकी अभी अभी जॉब लगी होती है, उनके मन में रोमांस के कीटाणु होते हैं, तो वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं भाभी। वो आर्चीज का कार्ड साथ में लेके बैठ जाते हैं कि अगर इसको छींक भी आई तो गेट वेल सून कार्ड दे दूंगा इसको जाके, और टाइगर देखूंगा इसी के साथ देखूंगा। एक ना वीपी बैठा होता है जो ट्रिप का सरमौर होता है, वो बैठा होता है अपनी बीवी के साथ, पता नहीं बीवी को लेके क्यों आता है, वो दोनों ऐसे बैठे रहते हैं जैसे टाइम बॉम्ब में कभी भी फट जाएंगे। अब 25 साल की शादी के बाद तो हर कपल टाइम बॉम्ब भी हो जाता है वैसे। वो उसको लेके पहुंच जाता है, वहां पर बैठ रहता है सारी ट्रिप में। तीसरी कैटेगरी होती है उन लड़कों की जिनको 12-13 साल का एक्सपीरियंस होता है, जिनको पता है ना तो इसने कार्ड लेना है ना वहां पे मेरे को टाइगर दिखना है, वो रॉयल स्टैग की पेटी लेके बैठ जाते हैं। ट्रिप शुरू होता है, पहले मिनट के अंदर ही जो 12-13 साल वाले लड़के ना वो पेटी खोल लेते हैं, उनकी चालू हो जाती है, और जो फ्रेशर हैं वो पहले ही मिनट में शुरू कर देते हैं अंताक्षरी। 13 घंटे वो कुत्ते के बच्चे अंताक्षरी खेलते हैं। पीपल फोर्स यू टू बिकम आइदर अ टेररिस्ट और अ कॉमिक। उस वक्त मेरे पास बंदूक होना, एक एक को भून दूं मैं वहां। जब बस कॉर्बेट पहुंचती है तो वो एक्चुअली कॉर्बेट में भी नहीं रुकते, उसके बाहर जो नकली से रिजॉर्ट बने हुए वहां पे रुकते हैं, और वहां पे भी कॉन्फ्रेंस रूम बना रखा है, और वीपी मुंह फुला के बोलता है गाइस 20 मिनट्स इन द कॉन्फ्रेंस रूम, और रोल स्टैग वाला का सर भन्ना रहा होता है उसका,
लेकिन फ्रेशर्स मैन तो होता है वो पहुंच जाते हैं वहां पे वीपी खड़ा होके अपनी बोरिंग सी शक्ल लेके वीपी साहब सुनना ऐसे ही है यहाँ पे जब जो भी वीपी बैठे हुए दूसरी तरफ से कैसा लगता है वो बता रहा हूँ जो उस तरफ बैठा हुआ उसको पेन लेके कहता है क्वेश्चन लिखता है बोर्ड पे सो व्हाट डू यू लाइक अबाउट योर कंपनी क्वेश्चन मार्क कोई ढक्कन हाथ खड़ा करता है या सर आई लाइक द ओपन वर्क कल्चर ओपन वर्क कल्चर ये कॉन्फ्रेंसेस इतनी बोरिंग होती हैं कि अगर आप एड्रेनलिन जंक हो तो आपकी वही मृत्यु हो जाएगी वो फ्रेशर्स वहीं पे कार्ड लेके बैठे कब छीका है कब छीका है वो लड़कियां खिड़की बाहर देखिए शेर कहाँ है शेर कहाँ है शेर नहीं दिख रहा शेर नहीं दिख रहा वो रिजॉर्ट वाले भी उल्लू बनाते हैं कि माली घास काट रहा था जाके बोलती हैं भैया यहाँ शेर आता है वो कली आगे क्या है वो सफारी वाला जो जंगल के बाहर उनको सफारी कराता रहता है उसके पीछे भैया शेर दिखाओ ना भैया शेर दिखाओ ना भैया प्लीज दिल्ली से आए शेर दिखाओ ना भैया प्लीज भैया अबे तुम कौन हो यार वो जंगल का राजा है उसका मूड करेगा तो आएगा नहीं करेगा तो नहीं आएगा तुम सारे टुच्चे से सॉफ्टवेयर के बंदे हो यार